अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंडेंसेशन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है। अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो यह हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ की सिंथेसिस होगी, जबकि हाइड्रोलिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ की स्प्लिटिंग होगी, उसकी ब्रेकडाउन होगी। कंडेंसेशन सिंथेसिस प्रोसेस है, जबकि हाइड्रोलिसिस हमारे पास एक ब्रेकिंग प्रोसेस है। अब हम आते हैं टुवर्ड द प्रॉपर डेफिनेशन। कंडेंसेशन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन। कंडेंसेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम डिहाइड्रेशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर होता है। सो द प्रोसेस इन विच लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड, यह हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास लार्जर या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, जबकि इसमें वाटर रिमूव होगा। मैंने क्या कहा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स या लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा। जिस तरह से अगर मैं कहूं कि हमारे पास दो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होंगे और इसमें वाटर रिमूव होगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे कंडेंसेशन का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड आप लोगों को पता है कि हमारे पास प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब अमाइनो एसिड का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये है, बीच में एक अल्फा कार्बन होगा और उसके इर्द गिर्द हमारे पास फोर डिफरेंट जो है वो चेन्स लगे होते हैं, फोर डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स लगे होते हैं। एक साइड पर अमाइनो ग्रुप है, एक साइड पर हाइड्रोजन एटम है, एक साइड पर अल्काइल ग्रुप या अल्काइल चेन हम कहते हैं, और चौथे साइड पर हम कार्बोजाइल ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप इसे कहते हैं। तो ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है। होता क्या है कि एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन एटम, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर रिमूव हो गया और हमारे पास एक लार्जर मॉलिक्यूल बन गया। देखिए, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस अमाइनो एसिड से हमारे पास हाइड्रोजन एटम दोनों इकट्ठे हुए, वाटर रिमूव हुआ, पेप्टाइड बांड बन गया और ये हमारे पास एक प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। ये हमारे पास क्या है? डाइड पेप्टाइड है। अच्छा जी, मैंने क्या कहा? दो अमाइनो एसिड आपस में आ गए, एक अमाइनो एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन एटम, वुड रिमूव हो गया और एक लार्जर मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो ये तो हो गया कंडेंसेशन। अब हम आते हैं टुवर्ड द हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मीनिंग की बात करें तो हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। द प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि हाइड्रोलिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास कंडेंसेशन प्रोसेस में बना था, इसकी ब्रेकडाउन होगी और वही स्मॉल मॉलिक्यूल इससे दोबारा बनेंगे, जबकि इसमें हमारे पास वाटर यूज होंगे। कंडेंसेशन में क्या हो रहा था? दो स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे थे, जबकि इसमें वाटर रिमूव हो रहा था। जबकि हाइड्रोलिसिस में हमारे पास जो लार्जर मॉलिक्यूल बना था, इसकी ब्रेकडाउन होगी और इसमें हमारे पास वाटर की एडिशन होगा। जब तक आप हाइड्रोलिसिस में वाटर को यूज नहीं करोगे, तब तक हमारे पास हाइड्रोलिसिस का फिनोमिना नहीं होगा। जिस तरह अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सक्रोज, सक्रोज हमारे पास एक डायसेकेराइड है जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। हमने क्या किया? सक्रोज के साथ वाटर को ऐड किया, तो क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हो गई और सक्रोज हमारे पास कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में। इसमें हमारे पास कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं। कंडेंसेशन में जो एंजाइम है वो सिंथेटेसिस है। अब हाइड्रोलिसिस में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन के लिए कार्बोहाइड्रेटेसिस है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए प्रोटीएसिस है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन के लिए लाइपेसिस है, और न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास न्यूक्लियसिस है। तो स्टूडेंट्स एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने कहा कि कंडेंसेशन हाइड्रोलिसिस हमारे पास दो ऐसे प्रोसेस है जो एक दूसरे के अपोजिट है।
कंडेंसेशन हमारे पास एक सिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि इसमें वाटर की मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। हमने एग्जांपल ली प्रोटीन्स के अमीनो एसिड की, कि एक अमीनो एसिड से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड से हाइड्रोजन एटम आएगा, इसमें वाटर रिमूव होगा और हमारे पास एक लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। जबकि हाइड्रोलिसिस की बात हमने कुछ यूँ की कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना था उसकी ब्रेकडाउन होगी, और ये जो ब्रेकडाउन होगी ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगी। हमने एग्जांपल ली सक्रोज की, सक्रोज हमारे पास एक डायसेकेराइड है जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जब हम इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो सक्रोज की ब्रेकडाउन आ जाती है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।